नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 और 11 जनवरी के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यश में बर्थडे या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, इन दोनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑल प्रेस सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों हमारी और इससे अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 10 जनवरी की बात करें तो इस दिन रविवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन अनुराधा नाम का नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों, इस दिन गंड योग सुबह के 11:49 रहेगा, उसके उपरांत ही वृद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ होगा। दोस्तों, ये दो दिनों में से पहला दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि वृद्धि योग आपके सभी कार्यों में इसमें बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। दोस्तों, ये दिन राहुकाल का समय रहेगा, शाम के 4:34 से लेकर शाम के 5:54 तक। और दोस्तों, इस दिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। और अगले दिन की बात करें 11 जनवरी की, तो सोमवार का दिन होगा, भोलेनाथ शिव शंकर का दिन होगा और इस दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। यह दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा और इस दिन भी दोस्तों वृद्धि नामक शुभ योग जो है सुबह के 8:40 रहेगा, उसके उपरांत ध्रुव नाम का योग प्रारंभ होगा। यह योग भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और राहुकाल के दिन समय रहेगा सुबह के 8:34 से लेकर सुबह के 9:54 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय उमंग, सच्ची आध्यात्मिकता, बौद्धिक और नैतिक विकास का समय होगा। पिछले महीने आपके जीवन में जो है कई उतार चढ़ाव आए थे और दोस्तों यह समय आपको अपने अस्थायी मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, याद रखें, आशीर्वाद चेतना और विवेक का परिणाम है जो आध्यात्मिकता और विश्वास से मिलता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों सहजता और जोखिम लेने की इच्छा आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यह बहुत ही चंचल अवधि है जब आप रचनात्मक और भावनात्मक रूप से प्रेरित होंगे। ये जो समय होंगे, अब आप जीवन में जोखिम लेने के इच्छुक होंगे। इन दिनों में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये या किसी खतरे या फिर दुर्घटना का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए अपनी योग्यता पर भरोसा रखने का समय होगा। आपके सामने कुछ चुनौतियाँ इन दिनों में आ सकती है जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी, लेकिन आप कामों को, परिणामों को लेकर जो है निश्चित रह सकते हैं। आपके लिए ये जो दिन होंगे, अपनी जो है पूरी ऊर्जा को सकारात्मक बातों में लगाने और उसका पूरा उपयोग करने में लगाएंगे। आपको ज़्यादा देर जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करने से इसमें बचना होगा। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके करियर के मामले में, काम के मामले में दिन तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिना तनाव जो है काम को आप पूरे कर सकते हैं, इसका जो है संकेत मिल रहा है। आपकी क्षमताएँ और गुण परे आकर्षण में है और आप लंबे समय से अटके कार्यों को जो है इन दिनों में पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आपके या फिर आपके पार्टनर को इस समय प्रभावित करेंगे। आपके और आपके साथी को भी जो है अभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके प्यार को जो है आजमाया जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आप जो है अपने साथी के साथ किसी मांगलिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में इस हिस्सा का आपको जो है मौका मिलेगा, तो आप इनमें ज़रूर सहभागिता करें। साथ ही दोस्तों, इसमें अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपके लिए ये जो दिन है आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आप खुद में ऊर्जा का प्रवाह जो इन दिनों में महसूस करेंगे। दोस्तों, यश में आपका आरोग्य अच्छा रहेगा और आप जो है अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 5 और भाग्यशाली रंग रहेगा हरा। वही दोस्तों, यश में गणेश जी कहते हैं कि आपकी कठोर वाणी किसी की भावनाओं को आहत करेंगी। इसका कारण उस व्यक्ति के प्रति आपकी ईर्ष्या जो है हो सकती है,
जबकि बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। और दोस्तों इन दिनों के शाम का समय में शायद जो है उसके लिए क्षमा भी आप मांगेंगे। दोस्तों इन दिनों में सायंकाल के बाद निराशा के बादल जो है समाप्त होते हुए प्रतीत होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय ऑफिस में आपका उत्साह जो आपके रूटीन के काम को आसानी से पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। हालांकि आप लंच के बाद जो है ऊब महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शाम को आप जो है और अधिक चुनौतियाँ लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि दोस्तों आपको जटिल चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि गणेश जी कहते हैं कि जो समय होंगे आपके लिए ऐसे काम करने से आपके लिए बेहतर होगा जिन्हें आप पूरा जो है आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यह समय अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप रोमांटिक कनेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो इसके विकसित होने की इन दिनों में पूरी उम्मीद है। इस तरह दोस्तों गणेश जी आपको ये जो दिन है आपके पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक होने की भविष्यवाणी करते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आप उचित संसाधन खोजने में सक्षम होंगे जो आपको पैसा दिला सकते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट में आपकी जो है सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में आप सही समय पर सही लोगों से मिलने वाले हैं और आप सही अवसर का जो है लाभ उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपका उत्साह इन दिनों में बना रहेगा, लेकिन आपको अपने जोश को जो है कुछ क्रिएटिव कामों में बदलने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा क्रोध आपके मूड और दिन दोनों को ख़राब कर सकता है। घर पर दोस्तों जिम या फिर शारीरिक व्यायाम शुरू करने के लिए ये जो इन दिनों में दिन होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। दोस्तों यश में आप जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास जो है आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। दोस्तों इन दिनों में दिन शुरुआत में भले ही अच्छे हो, लेकिन शाम के बाद जो समय होगा आपके लिए किसी की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जीवन साथी का सेहत और तनाव जो है चिंता का कारण बना सकती है। दोस्तों प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। आपका दिमाग कामकाज की उलझनों में फंसा रहेगा जिसके चलते आप परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों यश में आप महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय जो है अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने शब्दों को जो है गौर से सुने। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ सोम अर्थात चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, आपको बता दें, और भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी भी माने जाते हैं। अतः दोस्तों सोम यानी चंद्रमा को अपने अनुकूल करने के लिए आपको सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपाय को जरूर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इनसे आपके जीवन पर होगा और सभी रुके कार्य इनसे बनेंगे और आपके घर में बहुत ज़्यादा धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये उपाय को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे और आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों हमारी और अधिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।